हाय कृष्ण, आई एम कार्तिक. वेलकम टू सिनेमा एक्सप्रेस. दिस इज द सेकेंड टाइम वी आर मीटिंग. पहली बार थोड़ा सा ऑकवर्ड था. आई रिमेम्बर, आई डोंट नो इफ यू डू, बट इट वाज अ लिटिल ऑकवर्ड मीटिंग वी हैड फॉर द फर्स्ट टाइम. इट वाज ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ दहाड़. सो आई वाज इंटरव्यूइंग एवरीबडी लाइक रीमा एंड विजय वर्मा एंड सोनाक्षी, एंड यू आर ऑल्सो देयर. एंड दिस वॉज लाइक बिफोर आई हैड सीन द शो, लाइक बिफोर द सीरीज हैड रिलीज. इट वॉज अ प्री रिलीज इंटरव्यू. एंड आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई वॉज आस्किंग यू क्वेश्चन. फॉर सम रीजन आई हैड सीन द ट्रेलर एंड आई थॉट दैट देवीलाल इज अ कॉमिक कैरेक्टर, लाइक नॉट अ कॉमेडियन बट लाइक समबडी विल हैव अ लिटिल कॉमिक थिंग इन इट. एंड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वॉज लाइक कि लाइक हाउ व्हाट डू यू वॉन्ट टू से अबाउट देवीलाल बींग अ कॉमिक कैरेक्टर. एंड आई रिमेंबर यू आर लुकिंग एट मी एंड यू आर लाइक आई एम लाइक दिस, आई एम अ कॉमेडियन, द कैरेक्टर इज नॉट, बट आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट यू आर स्मोकिंग. And because I had announced and it was, I went back home and I have been a big fan of you, like always. I have seen your earlier work and everything. And मैं घर गया and I was like shit. I was like ये पहली बार यू मीट हिम एंड यू लाइक स्क्रू अप लाइक दिस. बट थैंकफुली नाउ आई हैव सीन द शो, नाउ आई हैव सीन दहाड़ ऑल्सो, आई हैव सीन चार कट आत्माराम ऑल्सो, गन्स एंड गुलाब्स. एंड थैंकफुली चार कट आत्माराम में थोड़ा सा कॉमिक रोल है. आई वॉन्ट टू, बिफोर आई गेट टू योर परफॉर्मेंसेज, बिफोर आई गेट टू इट्स चार ओके, कटार लाइक आई थिंक वो इंटरव्यू में थोड़े से कॉमेडी एलिमेंट्स आ गए इसकी वजह से. या इट्स गुड दैट यू काइंड ऑफ लाइक यू नो वो मिसलेड बिलीव दैट देवीलाल वाज द कॉमेडी कैरेक्टर. आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद, बिफोर आई गेट टू योर, आई वॉन्ट टू डिस्कस योर अदर परफॉर्मेंस ऑल्सो. आई वॉन्ट टू डिस्कस चार कट आत्माराम श्योर. ऑल्सो. बट बिफोर आई गेट टू दैट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ विद योर लाइक द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग अबाउट यू इज योर ट्विटर. तो पहले मैं थोड़ा ट्विटर के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई सी यू चलिए. एवरी डे, आई सी यू एवरी डे ऑन ट्विटर, बिकॉज माई जॉब लाइक हैज टू ट्रैक एवरीबडीज ट्विटर अकाउंट एंड स्टफ एंड सी लाइक. सो अच्छा. आई सी यू पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू सबसे तो आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट, एक तो नाम सुपर गुल्लू, ठीक है, एक तो डबल कोट्स हैं उसके साइड में. तो पहले तो मुझे जानना, कोई बुलाता है सुपर गुल्लू, लाइक समबडी कॉल्स गुल्लू और मैं खुद बुलाता हूँ अपने आप को, इट्स माय ऑल्टर ईगो. और मैं बैंगलोर में पढ़ाता था एक जगह बिगिनली कॉलेज में. सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन अनीस, तो ही वन डे कॉल्ड मी सुपर ग्लू. मैं कभी कभी, मैं तो फैशन पढ़ाता था, बट समटाइम्स आई यूज्ड टू हेल्प आउट द ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट्स विद देयर प्रोजेक्ट्स वगैरह. तो कुछ तो किया था मैंने, आई थिंक किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तो ऐसे क्रिएटिव चीज कर लिया था मैंने, तो उसने सुपर ग्लू ऐसे बोला था. सो आई वाज लाइक अच्छा जी, ये तो बढ़िया है यार, तो यूज करना चाहिए. तो फिर वहां से है सुपर गुल्लू. तो एक ईमेल हैंड, मेरा ईमेल एड्रेस भी है सुपर अच्छा, गुल्लू. और वर्सोवा का वर्साचे वो किसने बुलाया एक सौरभ, नहीं ये भी मेरे मेरे दिमाग से नहीं निकला है. तो आई थिंक द हार्ड का था जो अनाउंसमेंट होने वाला था, जब वो अमेजोन का बड़ा सा इवेंट हुआ था, तो हम सब लोग गए थे. तो वहां पे मैंने बधाई दो में जो सूट था मेरा, वो मैंने रख लिया हाँ, था. ओके, हाँ, तो वो पहन के गया था मैं वहां पे. तो कुछ ऐसे फोटोज निकले थे. तो मेरे एक और है मेरे जानने वाला ग्राफिक डिजाइनर, जिसने मेरे लिए मर्द को दर्द नहीं होता के टाइम पे, मैंने इंटरनेट पे खोजा था उसको और उसे टीशर्ट्स ओके, बनवाए थे मेरे लिए कैरेक्टर के. सौरभ है उसका नाम. तो हाँ, आर्ट सुपीफाई करके एक हैंडल चलाता है, तो ओके, उसने वो कमेंट पे बोला था वर्सोवा का वर्साचे, क्योंकि लाइक मैं वर्सोवा में रहता हूँ, हाँ मुंबई में वर्सोवा का वर्साचे. तो ये वहां से मैंने उठाया हुआ है. और फिर मैं आई लाइक ठीक है, ये मेरा स्टाइल है अभी, वर्सोवा का वर्साचे. जब भी मैं कुछ इवेंट्स वगैरह में जाता हूँ, थोड़े से लाउड किस्म के कपड़े पहन लेता हूँ, तो दैट बिकम्स वर्सोवा का वर्साचे स्टाइल. एंड योर ट्विटर बायो ऑल्सो सेज मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे माय सेंस धीरे ऑफ पता बहुत चला. अच्छा, ये भी उठाया हुआ है मेरा डायलॉग. ये भी उठाया, बट क्योंकि वही आई वॉन्ट टू नो अबाउट एक दिस. ये बहुत तो क्वीन का पॉपुलर फिल्म डायलॉग का है, डायलॉग है, क्वीन का क्वीन. हाँ डायलॉग है, जिसमें कंगना बोलती है और खुद ही हंसती है उसके बाद. सो मैं भी वैसा हूं, मैं अपने जोक बोल देता हूँ और खुद ही हंसती यू लाइक क्वीन?
वेरी मच वंडरफुल मूवी, वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. यू लाइक कंगना एज एन एक्टर? ऑफ लेट मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्वीन में बहुत सही थी वो. और मुझे पता भी है क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग उस फिल्म में इन्वॉल्व थे, तो कितना राजकुमार कंट्रीब्यूशन, लाइक मतलब ओझा इम्प्रोविजेशन. राज से बात नहीं थी, टेक्निकल डिपार्टमेंट में कई सारे लोग थे, अच्छा तो वो फैंटम की भी पिक्चर थी, तो आई हैव एक्सेस टू, आई हैड सम एक्सेस टू पीपल देयर, तो जिन्होंने एडिटिंग वगैरह पे बैठा हुआ था. तो क्योंकि हंटर के जो डायरेक्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने भी थोड़ा एडिट एडिट पे मदद की है क्वीन की एडिट में, तो वो लोग कहते थे कि लाइक शी वाज टेरिफिक इम्प्रोविजेशंस, लाइक वेरी ग्रेट. और तन्नू वर्ड्स मेनू आई रियली लाइक तन्नू वर्ड्स मनु, उसमें भी उनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था, लाइक गुड एक्टिंग एंड लाइक एंटरटेनिंग ऑल्सो बोथ. तो आपको मजा भी आता है और आपको लगता है वाह क्या परफॉर्मेंस है ना ऐसे. उसके बाद मैं आई डोंट थिंक मैंने कुछ, आई थिंक वो जजमेंटल है क्या वो देखा था, ठीक था. बट आफ्टर दैट आई हैव नॉट रियली, मतलब आई एम नॉट रियली फेमिलियर विद उनका काम आफ्टर दैट. ये सब बहुत बढ़िया है. हैव यू मेट हर लाइक इन पर्सन एंड स्टफ? अ फ्यू टाइम्स, या आई हैव मेट हर अ फ्यू टाइम्स. एंड आई फील लाइक बिकॉज़ इफ शी वाज ऑन ट्विटर आई थिंक यू वुड डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स शी सेज, बिकॉज़ ऑन अदर सोशल आई मीडिया डोंट नो इट्स हर, मैं ज्यादातर जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके साथ ही मैं ऐसे थोड़ा ट्रोलिंग वगैरह करता हूँ, तो इन लोगों को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, बट मैं उनको नहीं जानता ऐसे. हम लोग ऐसे दो तीन बार ही मिले, और ऐसे मतलब हाय हेलो के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी. तो हाँ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, वो कई बार मैं करता भी हूँ, मैं उनका नाम which भी I है, really like. हाँ उनका नाम नहीं लेता हूँ, बट आई थिंक लॉट ऑफ 3-4 दिन बाद ट्रोल ट्रोल होता हूँ उसके लिए. अच्छा ट्विटर पे लाइक आई डोंट नो नहीं वो आई क्या, मीन एक बार आई थिंक वो ऐसे ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे, मतलब वो इतनी हाँ डिमीनिंग किस्म से किसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए, जब आप खुद या एक्टर, मतलब व्हेन यू योरसेल्फ आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट एंड ये वगैरह, तो किसी दूसरे के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली ऐसे बेकार में बात नहीं करना चाहिए. उस बात को लेके भी टिप्पणियां थी मेरी, हाँ जब वो तो पुरानी बात है, तो काफी पुरानी बात है. अच्छा ट्विटर पे आई वांट टू नो लाइक लेकिन 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 सॉरी एक हाँ चीज, हाँ बोलो बोलो मुझे याद नहीं क्या मैं बोला था, लेकिन मेरी भी ट्रोलिंग होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा जबरदस्त मजेदार ट्रोलिंग मेरी किसी कंगना के फैन, मतलब बॉट ने किया था. तो पता नहीं किस बारे में है, मैंने कुछ बोला था, आई थिंक कलाई भी कुछ आ रहा था, तो आई थिंक आई सेड कि शायद वो तमिल की डबिंग भी, वही मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे इतने अच्छे एक्टर है, इतने मेहनती एक्टर है, तो तमिल की डबिंग भी उनको भी करनी चाहिए, ये मेरी शायद एक्सपेक्टेशन थी या कुछ टिप्पणी दी थी मैंने, तो मैं ट्रोल हुआ उसके लिए. तो वहां पे किसी ने लिखा था कि उनका थिएटर के बाहर का पार्किंग का कलेक्शन तेरी फिल्मों से ज्यादा होगी, तो मुझे मैंने कहा वाह बेइज्जती हुई तो क्या स्टाइल में गुरु, ऐसा चांटा मारा कि मजा आ बट वॉज गया. इट बिफोर धाकड़ और और आफ्टर धाकड़? ये धाकड़ से नहीं पहले तो मुझे है धाकड़ पता नहीं कौन सी पिक्चर की है, वो मुझे याद नहीं है ठीक ठीक बट मुझे बिल्कुल पढ़ के मैं बोला चरस स्पर्श गुरु, आप पता नहीं इंसान हो कि बॉट हो कि कौन हो आप, लेकिन चरस को क्या बेइज्जती की है गुरु, मजा आ गया मुझे, मतलब ऐसे होनी चाहिए अरे किसी की बेइज्जती. समटाइम्स दे आर वेरी क्रिएटिव एंड द थिंग इज लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस एक लाइक समबडी इज क्रिएटिव अदर पर्सन स्टार्ट्स कॉपिंग लाइक बॉट्स के साथ क्या होता है कॉपी करने लगते हैं. आई हैव सीन एक कमेंट कहीं पर है कहीं पे अगर किसी को ट्रोल करना है तो दो तीन लोग वही सेम कमेंट्स कॉपी कर करके दे कीप ऑन पुटिंग इट हाँ वो आउट. पता नहीं एल्गोरिदम बेसिक कैसे, आई डोंट नो, मैं कुछ आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड कि ये बॉट का क्या है, कंप्यूटर चलाता है, एक प्रोग्राम है क्या है, आई डोंट नो, या कोई एक्चुअली बैठ के कॉपी पेस्ट कर रहा है, हो सकता है ना कि वी थिंक बॉट बॉट एक्चुअली देयर इज लाइक वन पर्सन विद या देयर लाइक इज अ यू नो पर्सन 10 लैपटॉप्स एंड देन देयर लाइक डूइंग दिस चीज, बट आई थिंक पीपल गेट शिफ्टें पेड होती टू होगी डू इट. उनकी, मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट और ये नाइट शिफ्ट वाले भी होते होंगे, है ना. आई वांट टू नो लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट बॉट्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग. कभी कभी लाइक बिकॉज आई डोंट नो लाइक बिकॉज आई हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया लॉट ऑफ टाइम्स फॉर वर्क एंड स्टफ इट गेट्स वेरी ओवरबेयरिंग लाइक इट गेट्स अ लिटिल टू मच. You see something, something pops up, and then you know some people might have different opinions than you, or some people have very morally wrong opinions and stuff. I want to know, like, because you are like I respect you in that sense because you are always voicing your opinions, whatever sort of opinions are there.
बट डज इट गेट लाइक डज इट इफेक्ट यू समटाइम्स कि यार लाइक व्हाट इज हैपनिंग एंड लाइक पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड स्टफ एंड पीपल आर ट्रोलिंग, कभी लगता है कुछ इफेक्ट करता है? हाँ, सोचता हूँ कई बार कुछ ज्यादा हो जाता है, कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा हो जाता है। आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे वो था कि कई बार टू मच हो गया था, लोगों के पास कुछ करने को भी नहीं था काम, तो फिर ध्यान आपका सब एक चीज पे एक केंद्रित हो जाता है, फिर वो तो मोर देन नेसेसरी हो जाता है अटेंशन, और उससे कभी मतलब वही है कि नेगेटिविटी और ये पॉइजनस एटमोसफेयर क्रिएट होता है, मतलब संवाद के लिए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है, आपको कुछ मतलब सब आर्ग्यूमेंट ही हो रहा है और सब लोग अपने आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करते हैं ज्यादातर ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम पे, तो यू वन शुड अलाउ योर मतलब मेरे कुछ आइडियाज है तो आई लाइक इट टू बी चैलेंज्ड, क्योंकि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैंने सब कुछ सोच लिया है, कि मैंने जो सोचा है वही सही है, मुझे पता है, तो उसको चैलेंज भी होना चाहिए और चैलेंज करने के तरीके भी होते हैं और उसको डिग्निफाइड तरीके से भी आप डिसएग्रीमेंट्स कर सकते हैं या हंसी मजाक में भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक का थोड़ा बट वो चलता है, ठीक है, उतना तो होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ रूम फॉर अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अ लिटिल बिट मतलब वो तो ठीक है, बट वो समटाइम्स इज टू मच। और मुझे ये बात आजकल ना मीडिया में वायलेंट इमेजेस और वायलेंट वीडियोस ये कीचड़ की कि देखो आपके लोगों ने ये कर रहे, ये देखो आपके लोगों ने ये किया, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही वायलेंट वीडियो शेयर करते हैं, कई एग्जैक्टली बार बहुत ग्रूसम ग्रूसम, आई मीन मैं तो फैक्ट चेकिंग के बारे में नहीं कर रहा हूँ कि कई बार वो ग्वाटेमाला का या वो साउथ अमेरिका कोई वायलेंस वीडियो दिखा देते हैं, इधर हो रहा है ऐसे भी होता है व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे फेसबुक वगैरह पे, इस चीज से मुझे बिल्कुल मतलब ये आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ऐसे ग्राफिक वायलेंस वगैरह कुछ चेक होना चाहिए दिखा, और आपका। कई बार माइंड के ऊपर छोटे बच्चों के ऊपर ऐसे वायलेंट एक्ट वगैरह, आई थिंक वो मुझे बहुत उन चीजों से बहुत डिस्टरबेंस होती है, बाकी ये सब ये फालतू की ट्रोलिंग या चीखना चिल्लाना, दो मतलब पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे वो चिल्ला रहे हैं ऐसे सब थप्पड़ मार रहे ऐसे हैं बहुत दूसरे पर मने ऐसे वायलेंस तो दिखा को। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब समर्थन नहीं करता हूँ, मतलब इफेक्ट के लिए बहुत सारे लोग ऐसे कुछ बोलते रहते हैं और वही चाहिए उनको, एक साइकिल है आपने कुछ बोला, आपने मतलब ये पासा फेंका आपने, फिर वहां से कुछ और एक उनकी एक चाल होगी, फिर आपकी एक चाल होगी, ऑपोजिशन इज द विदाउट ऑपोजिशन मेनी पीपल वोंट हैव देयर पोजिशन, मैंने ये बात सोचा था, एक बार मैंने ट्वीट भी किया था इसको कि बहुत सारे लोग ना जो ट्विटर पे ऐसे भाषणबाजी करते हैं ना, उनको ऑपोजिशन नहीं मिलती है तो फिर उनका कोई पोजिशन ही नहीं है, जो उनका भी पोजिशन उन्होंने अपने लिए बनाया है ना वो सामने से आने वाली ऑपोजिशन की वजह से, सो दे नीड पीपल टू अपोज देम ताकि वो कह सके कि देखो देखो ये लोग हमारे खिलाफ है, देखो ये चाहते हैं कि हम लोग ये आगे ना बढ़े, ये टाइप के लोग हैं, ये वो टाइप के लोग हैं, ये सारे लोग करते हैं, ऐसा है कि नहीं कि एक वर्ग के लोग करते हैं ये, बहुत मतलब डरा तो सब लोग रहे चाहे आप इनका समर्थन करें चाहे उनका समर्थन करें किसी और समर्थन करें, सब लोग आपको डराए रहे कि आपका हो जाएगा मतलब योर वे ऑफ लाइफ इज अंडर थ्रेट, ये तो बकवास है, गुलशन, दे डोंट वांट अस टू गेट अलोंग। गुलशन, आई वांट टू नो दिस, लाइक यू नो यू डिसएग्री विद पीपल ऑन ट्विटर, लाइक यू हैव डिसएग्रीड विद नवाज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सुसाइड्स और डिप्रेशन इज ओनली हैपनिंग इन बिग सिटीज एंड गांव में लोगों को नहीं होता है, दैट प्रॉब्लम नॉट देयर। इनफैक्ट वेरी रिसेंटली इन ड्रीम गर्ल 2 ऑल्सो, दिस फिल्म विच केम दिस वीक, देर इज दिस डायलॉग अबाउट लाइक डिप्रेशन इज ओनली अ रिच मैंस प्रॉब्लम। I want to know like where you disagree like with people on Twitter or anywhere. How awkward does it get to like meet these people in person? Like, do you ever think, yeah, if I say this, maybe I won't get to work with this person, or maybe ये opportunity आएगा, or maybe people will see me in this way? अब तक तो कोई नहीं है, तो मैं ऐसे मतलब गाली गलौज करके मैंने डिसएग्रीमेंट नहीं किया ना, तो नहीं वो तो है। फील लाइक तो आई डोंट फील ऑकवर्ड ऐसे नवाज भाई के साथ बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं महसूस करूंगा, मैं तो शायद अगर ये बात छिड़ेगी हम दोनों के बीच में मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा प्राइवेटली उनके साथ, लेकिन वो मिलना नहीं हुआ अभी, मैं नहीं छेड़ूंगा इस बात को, अगर वो छिड़ी बात में जबरदस्ती मैं कौन होता हूँ कि ऐसे देखो मैंने ट्विटर पे ये बोला था उस पे मैं ये,
या तो अगर ये मौका और बात छिड़ी अपने आप ऑर्गेनिकली तो मैं कर सकता हूँ इसके बारे में बात, बट आई डोंट वांट टू थिंक टू मच कि लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, बुरा मानेंगे। मैं तो अपनी या बात सिंसियरिटी के साथ आगे रखना चाहता हूँ, जो भी मेरे एग्रीमेंट्स है डिसएग्रीमेंट्स है। अब मैं वो इतना सोच लूंगा कि लोग इसको क्या समझेंगे वगैरह, तो इतना डर डर के जिएंगे तो क्या जीना है गुरु, है ना। अच्छा, सोशल मीडिया फॉलोअर्स डज इट इफेक्ट एन एक्टर्स करियर? लाइक बिकॉज देयर वाज दिस होल थिंग कि यू आर गेटिंग जॉब्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स एंड स्टफ. हाउ मच, हाउ ट्रू इज इट? इज इट ट्रू? होगा इट्स अ बिट ऑफ अ फैड, तो आई डोंट थिंक कि आई डोंट रियली नो कि कितना इसमें सच्चाई है, बट इट सीम टू बी अ बिट ऑफ अ फैड। मतलब है, कुछ लोग कर रहे थे, मुझे तो मतलब काम मिल रहा है, और मुझसे भी ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा काम कर रहा हूँ मैं। तो आई डोंट नो ये लॉजिक, ये क्या लॉजिक है। हाँ, शायद ब्रांड वैंड का वो करते हैं, मैं नहीं करता। आई डोंट मोनिटाइज माई सोशल मीडिया, माई सोशल मीडिया इज माइन। मैं हाँ, मैं तो इट्स जस्ट मी, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, मैं यही करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया कोई थीम नहीं है, कोई कि ऐसे ही पोस्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट शुड जस्ट लाइक कि मैं वन वे ऑफ जस्ट इंटरेक्टिंग विथ पीपल एंड ऑल्सो टू प्रमोट, मतलब जो काम आ रहा होता है तो उसके प्रचार के लिए वो काफी, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। लेकिन उसको मैं वैसे ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ जैसे मैं किसी के साथ में एक ग्रुप के समक्ष बैठ के बात कर रहा हूँ, या वन ऑन वन किसी से बात कर रहा हूँ। सो आई वॉन्ट इट टू बी जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ, और उस पर मैं वैसा कोई बात नहीं करूंगा जो मैं लाइव किसी के सामने ना कर सकूं। सो दैट इज माय क्राइटेरिया। अच्छा, आई रिमेम्बर वंस बिफोर, आई डोंट नो बिफोर और आफ्टर दिस, बिफोर यू हैड दिस सुपर गुल्लू थिंग, बिफोर यू यूज्ड टू हैव दिस बैटमैन, यूज्ड टू हैव वेयर हाँ बैटमैन मास्क एंड स्टफ. लाइक हाँ इट वाज अ जनरेटेड मास्क एंड यू यूज्ड टू कॉल योरसेल्फ व्हाट, सस्ता बैटमैन? व्हाट व्हाट वाज इट? तो समथिंग एल्स, राइट? कुछ तो था, लाइक आई रिमेम्बर वंस बैटी समथिंग, बैटी समथिंग, बैटी समथिंग बैटी. हाँ समथिंग बैटी। हाँ नहीं, वो ना एक्चुअली कोई तो बैटमैन की पिक्चर थी, बहुत साल पहले आ रही थी, तो आई थिंक वो इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक पे वो फिल्टर्स हाँ, अवेलेबल, फिल्टर्स आते फिल्टर थे. था। यस या हाँ, तो उसमें आप कुछ कर सकते थे, तो वो अभी नहीं है, अभी अभी मिल नहीं रहे या वो। तो वो जमाने में कुछ किया हुआ था मैंने, तो जैसे कि वो बैटमैन ऑडिशन दे रहा है और रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम कैसे, तो यस 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 हेलो वो या हाँ, हेलो बोल, वैसा कुछ आई किया रिमेंबर. मैंने। या आई थिंक रक्षाबंधन के ऊपर कुछ तो किया मैंने, और फिर ऐसे सूट से बैटमैन अपना बैट सूट सिलवाने गया है साजिद मास्टर के पास। तो साजिद गर्दन के पास थोड़ा टाइट है, लूज हो सकता है क्या ऐसे, मैं तो डर नहीं ला पा रहा, बाकी सब एकदम फिनिश मस्त है। तो वो सब ऐसे करता था मैं। फिर वो ऐप कुछ तो नाम था उसका, अच्छा, बैटी बल्लेबाज, नहीं बैटी नहीं बैटी बल्ले, बैटी बल्लेबाज। बैटमैन तो है अपने, हाँ क्रिकेट प्लेयर है हमारे महान या बैटमैन, तो बैटी बल्लेबाज दोनों को मिला के मेरा क्रिकेट का प्यार, और बैटमैन का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी है, वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर, कॉमिक बुक कैरेक्टर। वन थिंग इज ऑल्सो देयर ऑन योर सोशल मीडिया इज योर पिन ट्वीट, विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, गोज विद योर कैरेक्टर ऑल्सो. कीप डूइंग गुड इन टाइम, गुड थिंग्स विल हैपन. ओके, आई ऑलवेज सी यू एंड यू ऑलवेज हैव दिस लाइक वेरी जेन थिंग कि जस्ट यू डू इट वेरी स्लोली, आराम आराम से यू डू कैरेक्टर्स नाइसली. कुछ वो नहीं लगता मुझे कि लाइक इसकी कुछ लाइक एनी सॉर्ट ऑफ वॉन्ट यू हैव और समथिंग. इज इट अ एक्वायर्ड थिंग? लाइक हैज इट कम ओवर ईयर्स? लाइक दिस ठहराव हैज इट कम ओवर ईयर्स या पहले से ही था? तो लाना पड़ा ठहराव, तो बचपन से ऐसा नहीं था, मैं बहुत ही चंचल और व्याकुल किस्म का, ये मतलब पिताजी मुझे बुलाते थे कि द लिटिल वर्म, अपनी भाषा में लिटिल ना वर्म. कुड़ू कुट्टी बुलाते। हाँ, ऐसे जाता रहता ना कि कीड़ा हमेशा, तो वो हाँ कीड़े जैसा था मैं, एक जगह बैठता ही नहीं था, हिलता डुलता रहता था, तो बहुत एनर्जी थी मेरे अंदर। आई थिंक मुंबई आने के बाद मैंने वो देखा कि अगर थोड़े से ठहराव, मैं थक जाऊंगा, यही एनर्जी से मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, मैं थक जाऊंगा, थोड़ा ठहराव लाना पड़ेगा जिंदगी में, अपने सोच विचार में, जिस तरह से मैं अपने काम को, अपनी लाइफ को अप्रोच करता हूँ, उसमें थोड़ा ठहराव लाना पड़ेगा।
तो ताकि मैं एनर्जी बचा के रखूं, जहां जरूरत है वहां खर्च करो, जहां नहीं जरूरत है वहां मत खर्च करो। ऐसी सब चीजें ऐसे धीरे धीरे से समझ में आने लगी, तो मैं ट्राई करने लगा तो मुझे लगा इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो ये मेरा तरीका। हर किसी का और तरीका हो सकता है। कुछ लोग इतना ही समय में हमारे पास है, इसमें जो जो करना है कर लो, वो आइडियोलॉजी भी रखने वाले होते हैं कि आई विल रेस्ट व्हेन आई एम डेड, ऐसे होता है ना। तो ऐसे वो भी ठीक है, मतलब वो स्टेटमेंट को लिटरली नहीं लेना चाहिए, बट वो जो समटाइम्स ये दैट्स द नेसेसरी इंस्पिरेशन दैट यू नीड। लेकिन मेरे लिए आई थिंक थोड़ा सा ठहराव का होना बहुत जरूरी है। तो एंड कीप डूइंग गुड। तो एक तो है कि हमारी इंडस्ट्री में कितनी सब्जेक्टिव है ना, ये लोगों को ओपिनियन किसी एक्टर पे, किसी परफॉर्मेंस पे, किसी फिल्म पे, तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कंसेंसस, मतलब मेजोरिटी कंसेंसस जमाना बहुत मुश्किल है, और अपॉर्चुनिटीज भी सही मिलने चाहिए, और जस्ट बीइंग गुड इज नॉट गुड इनफ। गुड बहुत सारे लोग हैं हु आर गुड, बहुत सारे लोग हैं वेरी गुड, यू हैव टू बी ग्रेट, मतलब एब्सोल्यूटली ग्रेट। उसके साथ में भी देर आर मतलब तौर तरीके हैं इस आज की दुनिया के। आपको अगर नोटिस होना है, किसी पे एक अच्छा इंप्रेशन करना है, तो आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा। सो मुझे ये एहसास होने लगा कि जस्ट बीइंग गुड इज नॉट गुड इनफ, बट स्मार्ट मैं इस एज इन चीज को कहीं ना, स्मार्ट कैसे हाँ जी, लाइक स्मार्ट के स्मार्ट एज इन और व्हेन यू से जैसे लाइक बताओ आपकी फील्ड में, मैं एक चीज बताता हूँ कि आपको, ऐसा कोई नहीं है जो जिसने शाहरुख खान को, जो शाहरुख खान से मिले हैं और एक कोई छोटी सी कहानी नहीं है कहने की, वो लाइफ लॉन्ग, वो यू आर शाहरुख क्या करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं ना, आपको एक मेमोरी, आपके साथ एक मेमोरी या रहती है, वो आपके लिए है, वो आप जिंदगी भर कहेंगे मैं, यू नो आई मेट शाहरुख, द फर्स्ट टाइम आई मेट शाहरुख, और द सेकेंड टाइम आई मेट शाहरुख, द या आई हैव ओनली सीन टाइम, हियर और फिर वो कहानी बताते। मेरे या पास भी एक है ऐसा, हाँ तो आपका सबके पास क्या है। अरे यार बहुत बढ़िया, वो गाड़ी पार्किंग से लेके आए, खुद अच्छा ड्राइव हाँ करके, गाड़ी ओपन करके, हाँ ऐसे सब किया है। तो दैट्स व्हाट ही डज ना ही हुएवर कम्स टू हिज हाउस हाँ, आई हैव हर्ड दैट ये ही जाके मेरी गाड़ी मेमोरी है, ओपन किसी और के साथ कुछ और है कि हाँ तब मैं शादीशुदा था, तो ही ओपन, ही वॉक्ड माय वाइफ टू द बाथरूम, उनको बाथरूम ओ जाना था, तो हाँ चलो, तो ही वेंट, ही ओपन द डोर एंड वो ऐसे वहां तक। सो दैट्स हर मेमोरी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना। एक तो मतलब हमारे देश में मतलब गुड बिहेवियर तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते अगर कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हाँ अगर तोड़ते हैं ये का चल रहा होता है, तो वहां पे आपको कोई ऐसे पर्टिकुलरली इतने बड़े आदमी, इतने बड़े लोग जो जो स्टार हैं, वो ऐसे करते हैं, तो आपको फिर, बट वो अलग बात है, छोड़िए, अब हम लोग वेयर डाइग्रेसिंग, बट दैट्स वन, ही मेक्स दोज मेमोरीज, बट दैट्स ग्रेट यार, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज को हर कोई उसको सोच के वो अच्छा ही सोचेगा उनके बारे में ना। इट्स अ वंडरफुल स्ट्रेटजी ऑल्सो, इवन इफ इट इज अ स्ट्रेटजी, मुझे पता नहीं है कि नेचुरली होता है कि स्ट्रेटजी, ये बहुत बढ़िया है। ऐसे कितने लोग हैं तो हर किसी के साथ एक 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 छोटा छोटा सा एक मेंटर हाँ वंडरफुल सीक्रेट रखते हैं, है ना। तो दैट्स वेरी स्मार्ट ऑल्सो, या या बहुत वेरी स्मार्ट। ज्यादातर लोग ना ऐसे फोटो मांगते हैं तो नहीं नहीं लेटर ऐसे बोलते हैं, या लेट, बट आपको फिर वो करना पड़ेगा, आपको इतना बड़ा बनना है वो, और एक सेपरेटली इफ यू हैव टू कार्व अ नीश फॉर योरसेल्फ, आपको इन सब चीजों को लेके स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अलग अलग लोगों का बर्ताव क्या है, हाउ दे कनेक्ट विथ पीपल, हाउ दे हैंडल क्रिटिसिज्म, हाउ दे हैंडल फेम। या जैसे मैं दुलकर के साथ, पब्लिक पागल हो जाती है उसको देख के, मतलब यस सड़कों पे जब हाँ लोग बैठे तो लाइक रियली दे लव हिम, और इतना ग्रेसफुली और इतना वो अच्छे तरीके से उस चीज को हैंडल करते हैं ना, बिल्कुल आपको नहीं लगता कि उनके दिमाग में वो चला गया है। कोई फोटो मांगेगा तो वो प्यार मतलब खुशी खुशी देंगे, इन सच अ वेल या बिहेव्ड। सो ऐसे मैं स्मार्ट, मतलब ये सब चीजें हैं कि आप या इस स्मार्ट हो तो ये देख के आप सीखोगे कि ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो कर रहे हैं आपको करना है, बट यू नो या व्हाई दे आर डूइंग इट, अगर आप इससे आपकी आपका लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके काम पे असर पड़ सकता है इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके, तो ये सीखना चाहिए। तो ये या सब नहीं आता था ना, तो बाहर से आए थे, तो ये सब देख के सीखते हैं लोग। सो दैट्स व्हाट इज इट बीइंग स्मार्ट, इनिशियली या वाज इट पैसे का, डॉन्टिंग यू नो इट्स आल्सो अ बिजनेस, है ना। सो यू या हैव टू लर्न द हाँ बिजनेस, मतलब बहुत सारे लोग पैसों की बात ही नहीं करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पढ़ते, एक एक शब्द पढ़ता हूँ तो, और समझ नहीं आता कई बार, लेकिन मुझे समझना है, और बिजनेस के बारे में जानता हूँ कि क्या है ये धंधा, क्या है, कैसे चलता है।
क्या है मतलब थिएट्रिकल रिलीज का क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूटर शेयर क्या होता है, एग्जीक्यूटर शेयर क्या होता है, प्रोड्यूसर शेयर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, आईपी किसी के पास है तो वो उस आईपी का किन किन तरह से मोनिटाइज हो सकता है, ये सब सीखना पड़ता है। नेट और ग्रॉस का अंतर क्या है, ये सब। और बहुत हमें है बहुत सारा बहुत कुछ है सीखने के लिए, ऐसे एक दो दिन में दो वीडियो देख के नहीं सीख सकते। दैट्स सो व्हाट इट दैट्स इज व्हाट आई बिकॉज या दैट्स व्हाट इट इज बिकॉज पीपल कैन लर्न द क्राफ्ट लाइक दे कैन कम विद देयर क्राफ्ट दे कैन लर्न द क्राफ्ट इन थिएटर एंड स्टफ बट बीइंग इन द इंडस्ट्री एंड लिविंग द एक्टर्स लाइफ आई थिंक ओनली एक्सपीरियंस कैन टीच दैट Yeah, if you want to make a difference, ना, you have to learn how things work first. Then you can see how I can change. यहाँ पे ना मैं थक गया हूँ, ज्यादातर लोग कंप्लेन ही करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो लोग हमें हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो नेपोटिज्म करते हैं, वो फेवरेटिज्म करते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं कि हाँ हमें काम नहीं दे रहा, नहीं कर रहा, हमें कोई फीचर नहीं करता, हम मुंबई टाइम्स में कि वो फ्रंट पेज पे नहीं आते, ये नहीं आते, वो राउंड टेबल पे नहीं बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये कंप्लेन ही करते रहते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते, हाउ कैन यू मेक अ चेंज, उनको चेंज चाहिए, दे वांट चेंज, वी वांट एवरीथिंग टू चेंज, बट हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग टू चेंज थिंग्स, और कैन यू हैव यू, टू डू स्मॉल चेंजेस ना टू यू हैव डू टू डू लिटिल स्मॉल चेंज चेंज। तो हमारे अंदर, हाँ, हमारे पर्सपेक्टिव में छोटे छोटे बदलाव करके हम बहुत कुछ फायदा पा सकते हैं उससे। तो वो चेंज बड़ा चीज नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज इज नॉट ऑलवेज अ रेवोल्यूशन, से काट के सब टेस नेस कर दिया और नए से बनाया, धीरे धीरे से छोटी छोटी मात्रा में बहुत सटल तरीके से चेंज हो सकता है। यू कैन चेंज हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ यू ट्रीट पीपल हु वर्क विद यू, यू कैन ब्रिंग अ सर्टेन जेन्युइननेस एंड अ डिग्निटी इन द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन सेट। मैं अभी भी मतलब देखता हूँ तो बहुत वो डिग्निटी की कमी है। सो या नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द कैरेक्टर व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द मोस्ट चार कट आत्माराम जिसके बारे में बहुत लाइक अच्छी अच्छी आर्ट बन रही है ऑन ट्विटर यू कीप ऑन शेयरिंग ऑल्सो विच आई रियली एंजॉय हाँ, मीम्स विच भी होते इज मीम्स भी देयर इज मीम आई सॉ दिस आत्माराम चिकन व्हाट लीव शेयर्ड समथिंग आत्माराम बिरयानी और समथिंग ऑन हैं। ट्विटर हाँ, आई रिमेम्बर आत्माराम गाइस लखनवी बिरयानी, लेकिन हाँ वो इतना कैरेक्टर के ऊपर नहीं है, वो है वो पहले से आत्माराम आया बिरयानी। आई नो हाँ हाँ, वो अमिताभ शुक्ला एक एडिटर है हमारे दोस्त, ओके तो और सीनियर भी है इंडस्ट्री में, तो वो आई थिंक लखनऊ में ये कहीं पे तो खा रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया था, ये रिलीज से पहले आया था ओके कुलशित रिलीज से पहले आया था। आई वांट टू डू देयर वाज अ लॉट ऑफ कोर्स द लुक इज लाइक संजय दत्त देयर वाज लाइक बाल पीपल आर संजय, आल्सो बाल संजय दत्त के लिए बट इज ही अ फैन ऑल्सो बिकॉज ही डज एकदम लाइक बिकॉज देर अ सीन वेर ही डज दिस हो एंड सकता देन है वो, मैंने वहां पे इम्प्रूव किया था क्योंकि वो पहन के आता है तो कैसे लग रहा हूँ ये हाँ सब कैसे करके, हाँ वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में नहीं था, वो स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं कि में था वो बाबा का फैन है या कुछ ऐसा है, फिल्मी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक वो सिचुएशन पे ऐसा था कि मैं कर सकता था, तो मैंने मैंने वो सजेस्ट किया राजन डीके को, दे से लिया यार डू इट, अच्छा स्क्रिप्ट क्यों में नहीं क्या करूं, था कुछ लाइक हाउ वाज द कैरेक्टर रिटन नहीं मतलब था, नहीं कुछ वो नहीं था अपना वो ऐसे हाँ लिख के आता है, नहीं वो सीन में ना वो आता है, वो ताबीज पहनता है, आता है, फिर वो सीधा मुद्दे की बात करने लगता है कि ये लोग कहाँ है पता करो, वो सब वो बाबा का मोमेंट नहीं था, तो मैंने वो कैसे लग रहा हूँ किया था, तो मेरे साथ में जो मेरे एक्टर थे वो जो काम कर रहे थे वो दिन, तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया कि एकदम बाबा लग रहे थे वो, ओके दो दो इम्प्रोव, बाकी सब जो स्क्रिप्टेड था वही। बट राजन डीके व्हेन दे वर गिविंग यू अ ब्रीफ ऑफ द कैरेक्टर लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रीफ शुड दे गिव यू राज सर का ही आता है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा एक कैरेक्टर है तुम देख लो, तो मैंने कहा कि थोड़ा विलन टाइप का क्या है, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बोला मैं सर मैं बंद कर रहा हूँ अभी थोड़ा टाइम, मुझे कोशिश मतलब मुझे अगर अलग करना पड़ेगा तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा कुछ टाइम के कमांडो के बाद में ना ऐसे नेगेटिव रोल्स नहीं कर रहा हूँ, तो अलग नहीं, नहीं नहीं एक बार देख लो, एक बार देख लो, मैंने कहा सर ठीक है आप बोल रहे हैं तो देख, मुझे पता था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं देख लेता हूँ, तो वही है कि डर रहता है कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये तो कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था पढ़ू ना, पर हाँ पढ़ लिया मैंने, तो फिर मैंने उनको फोन करके पूछा था कि हाँ अच्छा तो है, देखते हैं बाकी सब है कि सीजन टू में हूँ क्या, तो बोला हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स सीजन टू में भी रहोगे तो अच्छा गंज एंड ग्लव्स सीजन टू इज देयर लाइक नहीं, वो लाइक टाइम तो दिस पूछा यू था, रिमेंबर कहा कि नहीं अच्छा होगा ये वो नेटफ्लिक्स और राजन टिकट डी टू आर सोचेंगे उसके बारे में, तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ फिर मैंने सोचा कुछ दिन लिया मैंने, और कुछ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो दुरंगा की भी शूटिंग शुरू हो रही थी, तो उससे बहुत कंफ्लिक्टेड डेट्स थे, तो मुझे नहीं लगा कि हो पाएगा, बट मैंने अपने मैनेजमेंट को बोला था कि
ये एक ऐसा रोल है जब मैं, अगर ये डेट्स की वजह से नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता इस चीज को, क्योंकि मैं मना करूंगा तो मैं पछताऊंगा, क्योंकि इसको ले पढ़ते ही मेरे अंदर वो एक, अरे इसको कैसे करेंगे, अरे ये तो बहुत मजेदार है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूंगा, कैसा होगा इसका हुलिया नक्शा, स्वभाव कैसा होगा, हाथ पैर कैसे चलाता होगा, बोलता कैसे होगा, ये सब सोचने लगा था मैं पढ़ते हुए। इतना एक्साइटमेंट पढ़ते हुए ही, आपको एक बार पढ़ के हो जाए तो फिर उसको कर लेना चाहिए ना, तो वो डेट्स नहीं हो रहा था, बट फिर भी हो गया, जैसे तैसे हो गया। फिर कोविड हुआ, मुझे कोविड तो मतलब भगवान ने दिया, 4 दिन में ये दुरंगा की शूटिंग चल रही थी तो, लेकिन क्योंकि डेट्स नहीं हो रहे थे तो वो बांट दिया था हमने, वो ये आइडियल सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा काम करना नहीं पसंद करता, क्योंकि मेरी जिद थी करना है, तो फिर मैंने मैनेजर को लगा आपको करना, आपको बीच में निकाल के देना पड़ेगा। तो 4 दिन नाइट शिफ्ट करके आया मैं देहरादून में, मैं बीमार पड़ गया गुरु, और अगले दिन कोविड पॉजिटिव, तो उसने बचा लिया, क्योंकि फिर क्योंकि 10 दिन मैं लेट गया, फिर उन्होंने कहा कि राजन डी के ने कहा कि भाई तुम खत्म करके आओ, जो तुम्हारा दूसरा शो वो फिनिश कर लेना, तो वो पूरा खत्म किया तुरंगा सीजन 1, फिर आई वेंट बैक टू देहरादून एंड फिर मैंने वो गंधन गुलाब्स खत्म किया, अच्छा, तो ऐसे जुड़ा एसटीडी, हूँ। द डिटेल ऑफ द हिम नॉट लाइक वो कॉल तो 1 मिनट से स्क्रिप्ट, ऊपर नहीं करता, वो स्क्रिप्ट का ही है, लाइक यू डिडंट नहीं इम्प्रोवाइज, वो स्क्रिप्ट में नहीं था मेरा ना। मेरा तो आई थिंक वो डांस थिंग, वो क्योंकि हाँ वो थोड़े थोड़े इम्प्रोव से, ज्यादातर नहीं है, लुक को लेके आई थिंक दांतों का आइडिया मेरा था कि स्टेन्ड और ये गोल्ड लुक गोल्डन, का एक मेरा था। गोल्डन था। हाँ हाँ, वो मैंने सजेस्ट, मैंने बहुत सारे ऐसे एक लिस्ट बनाई थी और रेफरेंसेस बना के मैं बेचता रहता था, रोज कुछ ना कुछ मैं राजसर को बेचता रहता था, तो फिर उनका रिस्पॉन्स आता, चाकू रामपुरी चाकू, मैंने बोला कि और कोई चाकू नहीं, रामपुरी चाकू, और वो भी स्विच नहीं, एक बटन से ऐसे ऐसे खुलने खुला वाली हुआ नहीं, हाथ से, ऐसे, हाथ से खुलने, वो हाँ साउंड आना एंड चाहिए, एट खटक खटक, साउंड इज, हाँ हाँ, पटक नहीं, खटखट खटखट खट हाँ आना चाहिए, हाँ बिकॉज वो थोड़ा तो सा ड्रेड होता है ना उससे, जब खुलता है धीरे फिर धीरे। वो, हाँ वो सुन हाँ लोगों और की आत्मा पड़े से निकल गई तो हाँ वो आइडिया था। फिर बालों का तो उनका था, स्टाइलिंग वगैरह उनका था, टैटू सब उनका ही था, और क्या था मेरा, कुछ आंखों का था बट मुझे भूल, मतलब लाइट आईज चाहिए थे, बट वो जेट ब्लैक आईज उनका था, तो ये दोनों का स्टाइल, मैं बोला कि लेंसेज कुछ ट्राई करने चाहिए, आंखों का कलर कुछ अजीब होना चाहिए, सो देन वो ब्लैक लेंसेज है, जेट ब्लैक, वो आंखों में कुछ दिखता ही नहीं है, सब या पूरा काला है, तो इतना लाइक तो लुक को लेके मैं, मेरा इतना था इनपुट, और आई थिंक सीन्स में मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि हाँ वो अचानक से ठक करके कहीं आ जाता है, प्रकट हो हाँ जाता है वो अंडरटेकर का इंस्पिरेशन का, एक एक जगह मैंने वो अंडरटेकर की आंख भी बनाई है, ये हाँ उस दो को समझ नहीं। और ये कि देयर वाज दिस डायलॉग कि वो तरबूज वेरी सही, तरबूज पिछवाड़े में जाएगा, तो वो सोच के वो हंस रहा सब हूँ, लिखा हुआ था, वो सब लिखा हो तो वो सब लिखा हुआ था, ये टट्टों का ऑमलेट वो अच्छा इम्प्रोवाइज है, वो भाई साहब ने इम्प्रोवाइज किया, तो फिर मुझे जवाब मैंने इम्प्रोवाइज किया, फिर मनुज ने भी इम्प्रोवाइज किया तीनों एक्टर उतना, क्योंकि रिहर्सल में नहीं कर रहा था राज, सडनली टेक पे ना वो टांग के नीचे से आया और बोला कि उसने वो डायलॉग इम्प्रोवाइज किया था, वो नहीं था स्क्रिप्ट में, नहीं था वो, उसने इम्प्रोवाइज किया, स्क्रिप्ट में ऐसा था कि बंदूक तानता है बस, या फिर हाँ छोड़ दो मेरे दोस्त को ऐसा कुछ कहता हाँ है, बट इसने वो किया, तो उसके जवाब में मैंने कुछ बोला, तो उसके जवाब में वो वापस कुछ कहता है, फिर मनोज उसके जवाब, तुम दोनों के चक्कर में यार मुझे या छोड़ा वो आई है। वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर नेल पेंट आल्सो। मैंने स्टार्टिंग में नोटिस किया था, बट डू यू ऑलवेज पुट इट लाइक, और इज इट नो लाइक नो अ अभी मैं रीसेंट थिंग? एक नहीं अभी एक ग्राजिया के लिए एक फोटोशूट कर रहा था मैं, तो वहां पे था पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि है क्या आपके पास, तो उन्होंने दिखा ये कलर्स है, लाइक बढ़िया रहेगा ये जो लुक हम लोग कर रहे हैं इसके साथ, अच्छा रहेगा, सो देन दे पेंटेड माय नेल्स, तो मैं या रख रहा हूँ इसको इट लुक्स दो, वेरी नाइस। या उसको 2-3 दिन रख रहा हूँ मैं एक्चुअली मैं पहन लेता रोज, बट ये इसमें ना टाइम लगता है, तो इसको ना हाँ तो आदत लगानी पड़ती है, और फिर उसको निकालना वगैरह, रिमूवर से। और वो हाँ, और वो हर किसी लुक के साथ वो जाता नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने रंग ये पहना हुआ है शर्ट, इसके साथ अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको 2-3 दिन रखूंगा, फिर मैं सोचूंगा, बट आई थिंक इट्स बिकमिंग माई अब वरुण ग्रोवर द राइटर, ही ऑल्सो हैज
ही ऑल्सो पुट्स इन वन हैंड, आई हैव सीन, हाँ उनका भी तो रहता है रात में। सोनाक्षी, सोनाक्षी एज अ, क्योंकि ये गंज एंड गुलाब्स के प्रमोशन के टाइम पे जब भी मैंने, हमने कुछ भी किया है तो मैंने मैंने रिस्पेक्ट रहा था, तो सोनाक्षी को मैंने फोन करके, उनके उनका एक ब्रांड है सो इजी, ओके सोनाक्षी सिन्हा का, ओके तो वो स्टिक ऑन टाइप स्टिकर के ओके, साथ, अच्छा स्टिकर, तो मैंने हाँ मंगवा लिए थे कुछ, मतलब 10 डब्बे अलग अलग रंग के, तो उसमें ना 3-4 ट्राई किया, तो ये तो पेंट है लेकिन ये तो मतलब नेल या पेंट है, नेल लगा हुआ है। यस गुलशन, आई वांट टू, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्माराम, बट आई आल्सो वांट टू टॉक टू यू अबाउट अदर वेरी फेवरेट परफॉर्म, लाइक माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस ऑफ योर्स रिसेंटली, लाइक आई थिंक बिफोर गन्स एंड ग्लव्स आई सॉ यू इन 8 AM मेट्रो विद सेमी, ATM. यस एंड आई वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू आई डिडंट एक्सपेक्ट द रोल विल बी लाइक दिस, लाइक फ्रॉम द पोस्टर फ्रॉम ट्रेलर मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी काइंड ऑफ रोल यू आर प्लेइंग इन दैट, एंड आई रिमेंबर लाइक द फर्स्ट सीन यू हैव वेयर यू होल्ड सेमी एंड यू आर दिस, यू लुक लाइक दिस IT गाय हु हैज जस्ट कम फ्रॉम ऑफिस, इज वेरी टायर्ड, के देयर लाइक स्वेट ऑन योर शर्ट एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स ही इज अ रीडर, इज वेरी सॉफ्ट नाइस, टेल मी समथिंग अबाउट इट, टेल मी अबाउट दैट कैरेक्टर, हाउ यू क्रिएटेड इट, हाउ वर यू गिवन, व्हाट वाज इन द राइटिंग? ये स्क्रिप्ट जो मैं जब मैंने पढ़ा तो मैं विजुलाइज करने लगा कि ये किस टाइप की दुनिया में जीता होगा ये आदमी, और मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी, आई थॉट इट वाज वेरी इमोशनल, तो हाँ स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद में मैं थोड़ा रोया था, मुझे अफेक्ट कर गया वो, सो देन आई वाज लाइक कि मैंने डायरेक्टर से बात की, और अनुराग कश्यप ने मिलवाया था हमें, वो रहते हैं डायरेक्टर राज, वो आंध्रा से हैं लेकिन वो यूएस में रहते हैं, ओके आंध्रा वालों से बड़ा पाला पड़ रहा है यार मेरा आजकल। या हाँ हाँ उनका भी नाम राज, डीके ओह मैंने बात किया था तो मुझे लगा वही कि लोनली सा आदमी है, अकेले में रहता है। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूंगा, जिन्होंने भी फिल्म देखी नहीं है या तो आई थिंक कभी ना कभी तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो मैं ज्यादा कुछ कहानी के बारे में बताऊंगा, ये बहुत ही छोटी रिलीज हुई थी और आई थिंक ये कहानी बहुत लोगों को अच्छी लगी और उनके दिल को छूने वाली कहानी। तो बैंक में काम करता है वो, एक मामूली या सा है, तो कुछ स्टाइलिश वेलिश कुछ नहीं है, किले में रहता है, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता है, और एक दुनिया है उसकी, वो उसके बाहर कुछ नहीं है, तो एक बट दिमाग हमेशा वही है कि बैठ के सोच रहा होता है, क्योंकि उसने एक उपन्यास पढ़ी है या कविता पढ़ी है, तो वो चल रहा होता है उसके या दिमाग में, और ये एक मेट्रो के सफर में बाय चांस उसकी मुलाकात एमी के कैरेक्टर से हो जाता है, और उन दोनों की एक कुछ दिनों चंद दिनों की दोस्ती है और बहुत गहरी दोस्ती बन जाती है। कभी कभी होता है कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो और ऐसा लगता है कि आप लोग मतलब बचपन से दोस्त हैं, तो वैसी एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वैसा एक तो वैसी टाइप की कहानी है, तो मैंने इमेजिन किया कि कैसा होना चाहिए, तो मैंने कि वही साधारण सा होना चाहिए, और डायरेक्टर ने कहा कि हल्की सी दाढ़ी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि ही इज नॉट रियली, मतलब करता बैंक में बट ही इज नॉट रियली इतना बाल संवार रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है उसके पास अच्छे कपड़े, क्योंकि अच्छी जॉब करता है तो पैसे में उसकी कमी नहीं है, ऐसे गरीब नहीं है तो पहनेगा, बट बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि स्टाइलिश वाइलिश नहीं है, ऑर्डिनरी है, मेट्रो से सफर करता है वो, और एक कहानी भी है कि मेट्रो से क्यों सफर करता है, गाड़ी में क्यों नहीं जाता, उसकी भी एक स्टोरी है जो वो फिल्म में वो बात। सो मैंने फिर वही है कि मैंने इमेजिनेशन में बना लिया था कि ऐसा होगा, सो फिर मैं करने लगा, तो आई थिंक द डायरेक्टर रियली लाइक्ड कि वेरी जेंटल, वेरी क्वाइट, रिजर्व, लोगों से ज्यादातर आंखें नहीं मिलाता है वो, शायद किस आदमी, सो ये सब सोचा था मैंने। प्रीतम एंड कैरेक्टर का फॉर नाम, प्रीतम या एंड फॉर द कैरेक्टर विच लाइक मैं अभी भी आई गो बैक एंड सी दैट फिल्म इज गोस्ट स्टोरीज का एंथोलॉजी बाय दिवाकर बैनर्जी, मैं आई बिकॉज आई डेंट नो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट आई न्यू यू आर देयर इन द एंड, ठीक है क्रेडिट्स में नाम था, बट आई डेंट नो यू आर ऑल्सो प्लेइंग द मॉन्स्टर पूरा मेरा एट, हाँ यू आई आर डिड देयर, हैव अ
आई डिड हैव अ स्टंट डबल जाइल्स हाँ आल्सो, जो एक्चुअली थैंक गॉड ही वाज देयर, क्योंकि इट वाज सो फिजिकली स्ट्रेनुअस. सो या सम शॉट्स, या सम शॉट्स दे यूज्ड जाइल्स. सो उसकी तैयारी ज्यादातर तो फिजिकली थी. मेंटली आई थिंक जो हमने वर्कशॉप किया था, हम डिस्कस कर रहे थे तो वही कि अपने आप को जो सब सोच रहे हैं कि वी आर एनिमल्स, वो काफी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस था. मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई थिएटर का शो कर रहा हूँ वो करते हुए, क्योंकि वो बट कॉस्ट्यूम एक्सप्रेशंस इतना कैसे, बहुत बिकॉज इतना कॉस्ट्यूम है, तो लाइक देखो हाउ डू यू एक्सप्रेस, तो कुछ लाइक नहीं, कैमरा पे हाथ कैसे एक्सप्रेस? हिलाना, हाथ पैर हिलाना मुश्किल था उसमें बिल्कुल. वो यूजुअली प्रोस्थेटिक जो है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, बट ये फोम क्या कहते हैं उसको, फोम लेटेक्स था ये, तो ओके थोड़ा हल्का होता है बट वो रिजिड होता है. ऐसे कुछ मतलब फिंगर्स को ऐसे करने में पूरी ताकत थी. एक शॉट के लिए मुझे ऐसे ऐसे करना था, पूरी मतलब जी जान लगा के ऐसे 3 सेकेंड ही रख पा रहा था मैं उसको, क्योंकि वो वापस खींचता है. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और पूरा मतलब चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल था उसमें. तो एक्टिंग तो दूर की बात है, बट दिमाग में वही था कि आई एम अ कैट. मैं सोच रहा था कि, क्योंकि दिवाकर ने भी बोला कि तेरी बिल्ली आए ना, तू सोच तू बिल्ली, तो वो जस्ट ट्राई टू बिहेव लाइक अ प्रेडेटरी बिल्ली, मतलब सब हाँ बिल्ली है, बिल्लियों का राजा है. तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि ये बाकी सब है बट मैं राजा हूँ. सो एक वो अल्फा, वो कैरेक्टर का नाम भी है अल्फा, प्रिया के पापा या रेफर टू एज अल्फा. अल्फा सो हाँ, तो फिर आपको पता है कि यही है, इतने में सब कुछ वो, और ऊपर से लेंसेस भी लगे हुए हैं, तो मेरा आयरिस ओपन क्लोज नहीं हो सकता, लेंस भी लगा हुआ है. सो आई थिंक वो शॉट को समझना, वो शॉट मेकिंग में फिर मैंने वो समझना, फिर वो भी नहीं हो पा रहा था, देन आई वुड जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिवाकर जो बोलेगा. दिवाकर वाज लाइक गो सिट देयर एंड स्नार्ल एंड लुक मेनेसिंग, ऐसे सब बोलते थे, लुक लेफ्ट लुक राइट. तो फिर मैं वो करता था, फिर मैं वो चीज को चू करने ना, मैं जो भी है अभी. हाँ, क्योंकि वो पेंटेड लेंसेस था, तो आई थिंक अंधेरे में बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था, तो सब याद करना पड़ता था कि टेबल किधर है, कुर्सी किधर है, कहाँ पे छलांग मारनी है, सब थोड़ा सा अंदाजा लगा के करना पड़ता था. उजाले में दिख जाता था बिकॉज देयर इज मोर लाइट गोइंग इनटू द आईज. तो जो भी चीज है, तो मैं सोचता था कि इसको लेके मैं क्या कर सकता चीज को क्या कर सकता हूँ. तो यहाँ पे कान पे एक बाली है, उसको ऐसे करना, वो सब तो दिवाकर का ही है. हाँ, तो मैं इतना हुआ होता कि बट मैं पूरे दैट वो दिमाग, डिटेल, आई लव इट, आई लव दैट डिटेल, बिकॉज ही बट ऑल्सो दैट्स डज इट, द दिवाकर. मॉन्स्टर ऑल्सो डज इट, एंड यू ऑल्सो डू इट इन अ हाँ वे. मॉन्स्टर, नहीं हाँ बट वो स्क्रिप्ट हाँ में, वो स्क्रिप्टेड था, ओके वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड. दैट वाज नॉट एन इम्प्रोव. थोड़े बहुत जो ऐसे मैं ऊपर खंबे के ऊपर बैठा हूँ वहां पे मैंने किया रहेगा कुछ कुछ इम्प्रोव, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. और इतनी अच्छी स्क्रिप्टें लिखते हैं ना दिवाकर, कुछ तो आपको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, जो उन्होंने लिखा है उसको कायदे से कर दो, बस अच्छा परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगा. योर फेवरेट दिवाकर फिल्म इज ओए लक्की लक्की, राइट? बिकॉज आई हर्ड यू से इट हाँ आई आई थिंक थिंक वन ऑफ द तो, आई इंटरव्यूज. थिंक तो, आई थिंक तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है. सब कुछ अच्छा है उसमें, गाने वाने सब कुछ है, एंटरटेनिंग भी है, परफॉर्मेंसेस भी अच्छे हैं, कहानी भी अच्छी, सब कुछ है उसमें. आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, आई थिंक दिस फिल्म, आई डोंट नो इफ पीपल टॉक अबाउट इट दैट मच, हंटर. एंड वो उसका इमेज उस फिल्म का, लाइक इज ऑलवेज दिस एडल्ट कॉमेडी सॉर्ट ऑफ इमेज. आई व्हेन आई सॉ इट, आई ऑलवेज फाउंड इट टू बी अ वेरी कमिंग ऑफ एज सॉर्ट ऑफ फिल्म, द सॉर्ट ऑफ फिल्म विच डजंट गेट मेड दैट मच इन इंडिया. इट्स अ फिल्म, इट इज सेक्स, वॉट एवर द कॉमेडी एंड वॉट एवर दैट इज ऑन द सर्फेस दैट इज देयर. एंड दिस वन सीन इन दैट फिल्म, आई थिंक इट जस्ट कम्स इन लाइक फुल सर्कल इन द फिल्म, वेयर योर कैरेक्टर मंदार स्टार्ट्स क्राइंग एंड राधिका इज हगिंग हिम व्हेन ही रियलाइजेस दैट हिज कजन सन, हिज कजन क्षितिज, हु डाइड इन कश्मीर बिकॉज ही वॉज इन द आर्मी, इज वेरी सिमिलर टू हिम बिकॉज ही ऑल्सो पीस आउटसाइड. एंड इट्स सच अ नाइस सीन. इट्स लाइक इट्स देर इज लाइक देर इज अ लिटिल कॉमिक एलिमेंट ऑल्सो बिकॉज ही सेइंग कि वो बोलता था कि पेड़ सूखा है. तो या एंड देर इज सच इमोशंस टू इट. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दैट सीन, लाइक हाउ इज इट, लाइक डिड यू, क्या कैसा था वो सीन, हाउ डिड यू प्ले इट? जब वो उसका कजिन मर जाता है ना, ही डजंट ग्रीव, बाकी सब लोग रो रहे होते हैं, मेरा वो दूसरा वाला कजिन भी वो रो रहा होता है जो, बट मंदार नहीं रोता है. मंदार की जिंदगी में ये औरत के आने के बाद, बहुत सालों बाद, वो मतलब तो वो गुजर गया है, उसका भाई और उसका बेटा भी जब थोड़ा बड़ा हो रहा है, बड़ा
तब ही ग्रीव्स, मतलब या इतने सालों बाद ही ग्रीव्स दैट लॉस. उसने कभी ग्रीव किया ही नहीं है, उसको मतलब पता ही नहीं है. तो दैट्स इट्स नॉट ओनली इट्स अ कमिंग ऑफ एज इन एट मेनी लेवल्स फॉर दिस मैन हु इज क्वाइट या इमेच्योर. और वो रुक गया है, उसका जो मेंटल ग्रोथ है ना कहीं पे एक जगह जाके रुक गया है. तो उसको लगता है कि ये मर्दानगी है, दिस इज व्हाट इज कूल. या मतलब जो अपने आप को कूल नहीं समझता, तो इज लाइक यू नो कूल लड़के हैं तो पटेगी नहीं मुझे, तो लेकिन हाँ मुझे ये करना है वो करते रहना है. सेकंड बेस्ट पता हाँ नहीं. हाँ सेकेंड. सो ही फिगर्स आउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स बिकॉज वो है बड़ा ही इनसिक्योर, और एक खोखलापन है उसके अंदर कि अपने बारे में कुछ अच्छा ओपिनियन नहीं रखता है. सो ही हैज नेवर रियली कम ऑफ एज. और ठीक से उसके भाई की भी बारे में भी उसने समझा नहीं है, बिकॉज हिज कजिन यूज्ड टू स्लीप अराउंड अ लॉट, क्योंकि वो डैशिंग था और यू नो टॉल डार्क एंड हैंडसम टाइप का था. तो लाइक द गर्ल्स यूज्ड टू लाइक, बट व्हेन ही मैरीज समबडी, मंदार इज क्रिटिकल ऑफ दैट कि यार ये बदसूरत लड़की को शादी किया उसने, तो उसको समझा ही नहीं है क्यों इसको प्यार हुआ, व्हाई ही इज डूइंग इट, क्या इमोशन है ये प्यार, वो उसने समझा ही नहीं. ही इज वेरी इमेच्योर. तो कहीं पे वो यू नो 12-13 साल की उम्र में उसका वो दिमाग रुक दिमाग गया वहीं है, रुक उसे. गया. हाँ सो इवन हिज प्ले बॉय कजिन, व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, ही हैजंट अंडरस्टूड. तो जब वो मरता है वो ग्रीव ही नहीं करता. तो इस सीन में बाद में उसको लगता है कि उसको उसको खुद पता नहीं है कि क्यों रो रहा है, बट देन दैट्स एक्चुअली मंदर ग्रीविंग द डेथ ऑफ हिज ब्रदर हु वाज वेरी क्लोज टू, हु वाज एन आइडल फॉर इट. योर फर्स्ट फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट्स, अनुराग कश्यप के साथ पहला काम, एंड योर कैरेक्टर चित्यापा सदानंद गौड़ा. फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर फेसिंग द कैमरा, कितना लाइक नर्वसनेस होती है? हाउ इज इट? कुछ नहीं था कुछ सेट पे, नहीं. बहुत सारे लोग थे, अनजान लोग थे, तब तो बहुत सारे लोग दोस्त बन गए पासन वगैरह. तो बट आई थिंक अनुराग मेड मी फील कंफर्टेबल. तो उनकी एक बात है कि वो हमेशा ऐसा महसूस होने नहीं देते थे कि तुम कोई नए एक्टर हो, हम लोग चांस दे रहे हैं, मैं आई विल डायरेक्ट यू. तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंप देते थे कि अभी तुमको पता है, मैंने देखा है कि तुम क्या कर सकते हो ऑडिशन में. तो देन लाइक अब ये सीन है, इसके साथ तुम्हें क्या करना है, तुम सोचो क्या करना है. तो ही मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल. तो एंड वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखते हैं और वो बोझ बन के नहीं रहता है आपके ऊपर. सो मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था. तो मैं उसके एक रात पहले बिल्कुल सोया नहीं था, बिकॉज मैं पूरा से तैयारी कर रहा था, सोच रहा था क्या कर सकता हूँ, क्या नींद ही नहीं आई. तो मैं सोया गया तो मैं फ्रेश तो नहीं था, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट डे वही था कि जो सीन में कल्की आती है और मैं बैठा रहता हूँ. और वो रिमोट तो वाला पहली जो बार सीन आती है. है, हाँ मेरा इंट्रोडक्शन रिमोट वाला सीन है, वो सारा इम्प्रोव है, कुछ स्क्रिप्ट है. तो वो उसमें दैट तो सब इम्प्रोव है, सब इम्प्रोवाइज है. मतलब होल स्क्रिप्ट में रिमोट सीन ऐसा इज ऐसा इम्प्रोवाइज, दैट नहीं था वो. एवरीथिंग इज इम्प्रोवाइज, डायलॉग एवरीथिंग इज इम्प्रोवाइज. सीन ऐसा था कि है यहाँ बैठा हुआ है, ये आती है, तू कौन है, वो कौन है, एंड यू हैव टू इंटिमिडेट और पैसे निकालने उससे कि कबड़ में रखा हुआ है, योर बॉयफ्रेंड ओज मी मनी, चलो निकालो पैसा और फिर उसको यूज करेंगे, चलो ठीक है अभी तो खेलो. बेसिकली वही है कि यू आर अ पावरफुल गाय, बट तुम्हारा स्टेटस है कि तुम गुंडे हो, किसी के घर में बैठे हो बिना के ताला वाला तोड़ के, तो ऑब्वियसली तुम में वो डेयरिंग है ना कि मैं बैठोगे कोई कुछ मैं कर नहीं सकता. तो वो एक सिनेरियो है. एंड देन भी कैमरा अलग अलग एक्सिस पे लगाते थे और हम लोग उसको इम्प्रूव करते थे. 2-3 बार करने के बाद एक सेट हो गया कि मोर और लेस ये करना है हमें, वो डिवाइस हो गया. देन जब एक्सिस चेंज होता है तो देन वी वुड डू लाइक द सेम थिंग, नॉट विथ टू मच वेरिएशन, ताकि कवरेज मिल जाए. वो सब इम्प्रोवाइज, एवरीथिंग इज ईच एंड एवरीथिंग. वो थप्पड़ बट इंडिकेशंस था कि कहीं पे थप्पड़ मार देना, ऐसे कुछ डायरेक्शंस थे कि फाइंड अ प्लेस वेर यू कैन लाइक यू नो फिजिकली असॉल्ट दिस पर्सन, वो सब था. वॉज इट बट समवेयर कालकी वॉज नॉट स्टैंडिंग ऑन द मार्क और समथिंग? बिकॉज उसमें एक सीन हाँ है तो था, अरे वो हमने एक डिसाइड किया था कि थप्पड़ पड़ेगा तो मुझे समझ थी कि कैमरा कहाँ पे है, तो मुझे लगा कि यहाँ मारूंगा तो यार वो तो असली में मारना पड़ेगा, नहीं तो वो पता चल जाएगा कि वो चालू वाला बचा के मारने वाला नहीं कर सकता. और मैं मारना नहीं चाहता था, मैं बचा के मारना चाहता था ताकि वो रिएक्शन लेगी. मैंने बोला मैं ऐसे करूंगा, रिएक्शन ले लेना. हाँ हाँ ठीक है. वो तो जाके यहाँ पे बहुत करीब आ गई मेरे को, मैं बोला यार हो सकता है यार, क्योंकि टू शॉट हो गया अभी है ना, थोड़ा इस फिल्म में रहोगे तो मैं करूंगा तो हाथ यहाँ से घूमेगा ना, तो तुम वो रिएक्शन ले लेना, कैमरा में समझ नहीं आएगा.
तो फिर मैंने कहा ये तो हटेगी नहीं, तो फिर मैंने उसको बिठा के, जब मैंने उसको बिठाया तो मुझे हुआ कैमरा एंगल, सिट सिट सिट, पूरा एंगल मिला। फिर बिकॉज मैंने आई एक सी नहीं यू दो, यू आर ट्राइंग एंड देन शी हैज टू लाइक हाँ उसको बताया और उसके बाद यू स्लैपर. हाँ लगाना एक था, मैंने दो लगाया, अब दूसरा वाला उसके लिए गलत पोजीशन। Question, final question. I want to ask you, is this there was this interview in which you said that earlier Gulshan Devia used to hide behind his characters. Is it still true now or like has it changed? व्हेन आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर्स, आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर्स, लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ, तो बट मुझे डू यू किरदार को लाइक भी, बट ऐसा क्यों था अब लाइक वाई? मैं बन के आपसे बात कर रहा हूँ, गुलशन में आपसे हाँ बात कर रहा है, कोई हाँ किरदार नहीं है, ना चिटियप्पा बात कर रहा है, ना केसी बात कर रहा है, ना मंदार बात कर रहा है, ना आत्माराम बात कर रहा है आपसे। ये बट पहले नहीं होता था, पहले आई वॉज, पहले क्या थे कि ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि शैतान के लिए बहुत प्रमोशन करवाते थे हमसे, तो वहां पे आई वॉज, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि ओके मैं बन के जा रहा हूँ, मुझे बात करनी है लोगों से, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं बहुत इंटिमिडेट होता था, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल मजा ही नहीं आता था मुझे। सो मुझे लगने लगा कि ये तो ऐसा तो नहीं होगा गुरु, आपको अगर कुछ एक करना है हासिल यहाँ पे, तो आपको इन चीजों से कंफर्टेबल महसूस करना पड़ेगा। आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, आप किरदार बन के नहीं जा सकते, यूर गोइंग देयर एज गुलशन, एंड यू शुड बी, या इफ आई एम नॉट हैप्पी विद हु गुलशन इज, हाउ विल एनीबडी एल्स। तो आई हैड टू गेट कंफर्टेबल विद बीइंग मायसेल्फ। ठीक है, मतलब सब में है खूबियां और खामियां, तो सब हर चीज हर किसी में होता है, कि कुछ खामियों को ठीक भी किया जा सकता है, तो कुछ चीजों को अपनाने की भी जरूरत है। सो आई थिंक अभी वो नहीं है, मैं किरदारों के पीछे पहले, आर यू कंफर्टेबल विद फिल्म प्रमोशंस या नाउ? वेरी कंफर्टेबल, पहले सिर्फ मैं वो किरदारों किरदार करना चाहता था, मैं बन के कहीं नहीं जाना चाहता था, वो लोगों से मिलना, इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, बट नाउ आई एम चिल, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ फिल्म प्रमोशन से, वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस है मेरा। And that's a very great performance you do, actually. Thank थैंक you. Thank you so much, Gulshan, for speaking to me. It was a lovely chat with you. And प्लेजर thank प्लेजर, you. थैंक यू, Yeah, best of luck for all your वेलकम, projects. Thank you. थैंक्स अ Thank लॉट। you so much.